अभी तक हमने फेल अमर की डेफिनेशन और फेल अमर को बनाने का तरीका सीखा, उसके 5 रूल सीखे और फिर उसको बनाना हमें आ गया। अब फेल अमर की भी तो गर्दान होती है ना, फेल अमर की भी सीगे होते हैं। तो वैसे आम फेल माजी और मुजारे के कितने सीगे होते हैं, किसी को पता है? फेल माजी या मुजारे के कितने सीगे होते हैं? चौदह चौदह सीगे होते हैं, 14 होते हैं। उसमें से 6 आपके गायब के होते हैं, मुजक्कर और मोनस के, और 6 हाजिर के होते हैं, और फिर 2 मुतकलम के होते हैं। लेकिन जो फेल अमर है इसके सिर्फ 6 सीगे हैं, 3 मुजक्कर के और 3 मोनस के, इसलिए इसकी इसमें हाजिर ही है, इसमें गायब और मुतकलम नहीं होता। और अबूदा तो इबादत कर, और अबूदा तुम दो इबादत करो, और बुदू तुम सब इबादत करो। फिर और बुदी यानी तू लड़की को कहा जा रहा है, तू इबादत कर। और बुदा तुम दो इबादत करो, और बुदना तुम सब इबादत करो। तो और बुद और बुदा और बुदू और बुदी और बुदा और बुदना, ये 6 सीखे हैं। ये फेल सलासे मुजरद से फेल अमर हाजर की गर्दान है, इसको आपने याद करना है, और क्लास में भी किसी से स्टूडेंट से सुनी जा सकती है कल। इसके अलावा आप अपने ग्रुप में इसको पढ़ के भेज सकते हैं ताकि आपकी मिस्टेक्स खत्म हो जाए। और फेल सलासी मजीद थी जिसमें तीन तीन से ज्यादा हमारे होते हैं, जायद हरूफ भी पाए जाते हैं, तो उसमें बगैर किसी इजाफे के, तो जिसमें अलिफ से इजाफा नहीं किया जाता, जैसे मैंने कहा जा सीखा था पहले कि अगर लामते मुजारे को हटाने के बाद अगले हरफ पे जमना हो तो फिर हम अलिफ नहीं लगाते। तो ऐसे बल्लिग बल्लिग बल्लिगा बल्लिगू बल्लिगी बल्लिगा बल्लिगना, उसका था उर्गुद और इसका था बल्लिग। अब इसका कोई हम आप देख रहे होंगे कि इसकी वो जैसे डाई होती है या वजन होते हैं, तो वो वही फाला से नहीं हमने बने, क्यों? क्योंकि इसमें जैसे वर्ड्स चेंज होंगे उनकी मुनासिबत से इसकी गर्दान थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। किसी के शुरू में अलीफ हमजा आ रहा है, किसी के शुरू में हमजा नहीं आ रहा। तो ये दोनों गर्दानें जो आपने याद करनी है, तो इनशाला इसको जो है ना क्लास में आप में से कोई भी स्टूडेंट सुनाना चाहे तो जरूर सुनाए। बाकी आप इसको याद करेंगे ना, तो अभी आज क्या जो हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन में, उसमें भी इस तरह के कुछ वर्ड्स आए, आपके लिए आसानी से पता हो चल जाएगा आपको कि तफसीर करते वक्त हमने किसका तर्जुमा जो है मुजारे वाला करना है और किसका जो है ऑर्डर वाला करना है इंशाल्लाह।